पूरा डब्बा भर के सामान लाए हो, सब लगाने का? वो सारा सामान लगेगा अब इस बाइक पे, पूरी बाइक हो जाएगी कंप्लीट। ये रेडिएटर ग्रिल इतना छोटा क्यों है इसका? एक साइड से खुलेगा, एक साइड से घुसेगा, पकड़। ये क्रैश गार्ड है, सा फिनिशिंग क्या है ना, चमकी चमकी दिया है इसके ऊपर इन्होंने। और जिन लोगों को भी वो वाली टेल टाइडी चाहिए, अभी तो सैडल स्टे लगेगा, टॉप रैक लगेगा। अभी लुक चेक करने दो पहले मेरे को, मतलब आज बाइक में हम लोगों ने 11-12 चीज़ें लगाई है। पूरा गाड़ी अभी पीछे का, मैंने बोला भाई तू पीछे चालू हो जा। अरे भाई नया हॉर्न बिठाया रहे इसने। अब गाड़ी की लुक माचो देगी, मतलब एकदम माचो लुक देगी। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक नए से वीडियो में। मुझे पता है कि आप लोग इंस्टॉलेशन के वीडियो का वेट कर रहे हो, लेकिन चीज़ क्या है पता है, जो वो कंपनी वाला बंदा है ना यार, उसने पार्सल जिसके साथ भेजा है बस में बैंगलोर से फ्राइडे नाइट को, तो पार्सल पहुँच जाना चाहिए था मेरे पास संडे को। आज है मंडे और अभी तक वो बस बैंगलोर से नहीं पहुँची। मतलब हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि 4 दिन हो चुका है और बस पहुँची नहीं है। अब पेमेंट तो मैंने कर दिया उसको, अब पता नहीं सीन क्या है। मैं जा रहा हूँ फिर से वो जहाँ पे पार्सल पहुँचने वाला है, देखते हैं वहाँ पे पहुँचा है नहीं पहुँचा है, वो क्या बोलते हैं। कल मैं गया तभी ऑफिस बंद थी और वो प्रोडक्ट का जो ओनर है वो तो भाई कॉल ही नहीं उठाता, रिप्लाई करने में बस एक ही चीज़ बोलता है आ जाएगा। उसको क्या है, उसको तो पेमेंट मिल गया ना भाई, देखते हैं अब। तो जहाँ पर वो प्रोडक्ट पहुँचने वाला है ना, वो है मस्जिद बंदर। मेरे घर से मतलब थोड़ा ही दूर है। अच्छा हुआ कि मैंने मस्जिद बंदर को सिलेक्ट किया, क्योंकि वो बंदा तो बोल रहा था अंधेरी वसई बोरीवली। भाई अगर वो प्रोडक्ट नहीं आता तो मैं बार बार अंधेरी वसई बोरीवली के चक्कर लगाता, जो मेरे घर से 30-30, 35-35, 40-40 किलोमीटर दूर है। और ये यहाँ पे इनकी ऑफिस है, लेकिन अभी तक पार्ट रिसीव नहीं हुआ है। वो बोल रहे कि आज रात को लेट आएगा, तो कल सुबह आप आके रिसीव कर लो। अब यार मैंने बहुत रिक्वेस्ट तो की है उनको कि सर प्लीज़ मेरा नंबर ले लो, अगर आ जाए तो मुझे कॉल कर देना, कि बहुत मैं वेट किया हूँ इसका। एक्चुअली वेट तो ठीक है यार, वेट तो क्या ही चीज़ है, अब जब से गाड़ी ली उसके बाद से तो वेट ही कर रहे हैं कब पार्ट्स आएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि मेरी ट्रेन सब मिस हो गई यार, ये चक्कर में पूरी फैमिली चली गई यार गांव। अब मुझे या तो इसको चला के गांव जाना पड़ेगा या फिर मेरे को कार में जाना पड़ेगा। वहाँ पे शादी है, मैं शादी भी अटेंड नहीं कर पाऊँगा, सीधा रिसेप्शन में पहुँचूँगा भाई। यार ठीक है, अगर ये वीडियो और एडिटिंग का चक्कर नहीं होता ना तो पहुँच गया होता मैं गाँव। लेकिन यार वो इंस्टॉलेशन करके वीडियो भी बनाना है, एडिटिंग भी करना है, तो उसके लिए मेरे को बहुत टाइम जाएगा यार, मतलब एक दिन तो जाएगा। अब सीधा मिलता हूँ मैं इंस्टॉलेशन के दिन को, जो है कल या परसों। टेक केयर, बाय बाय। तो अभी वापस हम लोग पहुँच गए सामान लेने के लिए। ये भावशलका का रोड है, ऊपर जो रास्ता जा रहा है वो है फ्रीवे, हमारे यहाँ का फ्रीवे, मतलब ओनली 4 व्हीलर्स अलाउड। लेकिन यहाँ से सीधा चेंबूर को कनेक्ट होता है वो। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे मुंबई में सबको पता ही ये चीज़, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए ये जानकारी हमने प्रस्तुत की है। तो आ गए हम हमारी डेस्टिनेशन पे जहाँ पे कल आए थे। नहीं लेकिन इसने उतना ये कर दिया ना, बहुत छोड़ दिया वहाँ पे। हाँ पहुँच गए हम ग्रैंड रोड। पूरा डब्बा भर के सामान लाए हो, सब लगाने का? वो किधर है, खुजली मास्टर किधर है? आज नहीं आया। बोलता है यार मेरे को बहुत खुजली हो रही है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। कहाँ लगाऊ? चलो गाड़ी तो अपनी लग गई मस्त, झटापटी करना है लेकिन ये काम खत्म करने के बाद, क्योंकि अपने को मेरे पास टाइम नहीं। मेरे को शाम को वीडियो बना के कल निकल जाने का है गुजरात। हाँ ना, बस तो चलो हेलमेट रख देते हैं अपन। ये अपनी बगमैन है, बगमैन के ऊपर अपन इतना सारा सामान लेके आए बांध के। वो सारा सामान लगेगा अब इस बाइक पे, पूरी बाइक हो जाएगी कंप्लीट। तो ये ट्रांसपेरेंट फिल्म है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको इस पे लगा देते हैं।
इतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसको लगा सकते हैं क्या, पता नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंट तो इतना ट्रांसपेरेंट भी लग रहा है और स्मोक भी लग रहा है। क्या क्या निकलता है देखते हैं जिंगल बेल की बैग में से। वैसे भी क्रिसमस का टाइम है। अंदर भी बॉक्स ही है, ऐसा तो नहीं बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, और लास्ट में निकलेगा दो रबर। बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स। पैकिंग किया उसने, हिल ना जाए। ये क्या है, पहले सैडल स्टे वो सब लगा दो नीचे। हाँ, ये मडगार्ड के आगे का नंबर प्लेट है वो लगा दो पहले। चलो पहले निकाल दो कोई कोई वस्तु बता। ये टॉप रैक है, वो क्रैश गार्ड है, वो गोल गोल गोल, वो गोल वाला। ये क्या है, ये रेडिएटर ग्रिल है। ये रेडिएटर ग्रिल इतना छोटा क्यों है इसका? ये आगे का टायर का है, फ्रंट व्हील। एक साइड से खुलेगा, एक साइड से घुसेगा, पकड़। और क्या क्या है, ये गार्ड है, क्रैश गार्ड है। सैडल स्टे तो घर पे पड़ा है, तो सारे बॉक्स तो आ गए मेरे। अभी सैडल स्टे जो पड़ा है ना, वो विंडशील्ड के साथ आया था। अभी तो सैडल स्टे के लिए मैं इसको भेज रहा हूँ वापस घर पे। वो सैडल स्टे लेके आएगा, तब तक हम लोग यहाँ पे नंबर प्लेट का ये फिटिंग कर रहे हैं। तो ये देखो कैसे लगेगा, दिखा दो। ये ऐसे लगेगा, उसके साथ मैच हो के ईजी मस्त। बताओ वापस निकालो, हाँ दिखाओ डाल के। ओके, तो ये अपना नंबर प्लेट का आ गया। अरे यार वो चला गया, नंबर प्लेट तो डिक्की में थी। बिना स्क्रैच वाला काम मज़ा आएगा। वो टच हो रहा है, टच ना हो। अच्छा नहीं लगा तो तुम्हारा पैसा भेज। ये क्रैश गार्ड है, सा फिनिशिंग क्या है ना, पूरा चमकी चमकी दिया है इसके ऊपर इन्होंने। हाँ वही, मतलब कलरिंग कलर अच्छा डाल दिया वो लोगों ने। तो यहाँ का गार्ड हमने निकाल दिया है, अभी वो गार्ड लेके आएंगे। तो ये दो नट पे बैठ रहा है और एक वहाँ पे नीचे जाएगा, नीचे ये जो काला वाला है ना उस पर लगेगा। हाँ क्या क्या निकाला तुमने? ये दो नट निकाले। अच्छा तो ये ऐसे डायरेक्ट बैठ जाएगा इसके ऊपर, निकालना पड़ेगा। अच्छा और वहाँ का निकाला ना अपन ने रबर, ये वाला रबर। तो सारे पार्ट्स का इंस्टॉलेशन मैं एकदम डिटेल में आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि यार बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जो जो छोटा छोटा मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो शायद मतलब जो नट टू नट लगता है तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ और करना पड़ रहा है उसमें एक्स्ट्रा आप लोगों को, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये वाला नट निकालना पड़ा, तो वो सब मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करते रहूँगा। तो अभी वो देखने के बाद मालूम पड़ा कि वो वाला जो रबर हमने निकाला ना, ये वाला, वहाँ पे नहीं लगने वाला है, वो यहाँ पे लगता है ऊपर वाले पे, और यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ऊपर। और जिन लोगों को भी वो वाली टेल टाइडी चाहिए तो वो यहाँ पे भी पड़ी अपने पास। तो यही है वो टेल टाइडी जो मैंने लगाई है, आप लोगों को चाहिए तो आप देख लो। ये मैंने ब्लैक कलर में लगाया हुआ है, अच्छी है इसकी क्वालिटी, एल्युमिनियम की है, तो इतना कुछ ये नहीं है, सस्ती मिलती है और अच्छी भी है, जिनको भी लेना है ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी एक्सेसरीज, हेलमेट्स, सब कुछ मिलता है। तो अगर आप लोग मुंबई में हो तो ग्रैंड रोड आके यहाँ पे आके आप मेरे को मैसेज करो, या फिर नौशाद भाई से मिल लो, आप लोगों को सस्ते में करके दे देंगे, मेरा नाम ले लेना। तो इसका जो नीचे का जो नट है ना, वो पूरा वहाँ तक जाता है आर पार होके, और अपने को इसमें अलग से एक बड़ा वाला दिया हुआ है जो क्रैश गार्ड के साथ आएगा। तो ये वाला हटा के वो वाला लगाना है। तो ये चीज़ निकालने में ना, ये वाली बहुत मगजमारी हुई है भाई, क्योंकि ये वहाँ से वहाँ तक की है, मतलब इस तरफ से उस तरफ तक की। अब वो इतना टाइट किया था ना, अब देखते हैं भाई ये वैसा टाइट होगा या नहीं, क्योंकि वो रॉक सॉलिड था। बाकी गार्ड तो भाई सेक्सी लग रहा है, और उसकी फिनिशिंग देखो, पूरे स्पार्कल्स वाला कलरिंग वालरिंग किया हुआ है।
ये पता नहीं छोटा सा डैमेज्ड लग रहा है, मतलब थोड़ा स्क्रैचेस दिख रहा है यहाँ पे आगे ये वाला, तो उसको थोड़ा अपन मार्कर वार्कर मार देंगे, क्योंकि वो हो रहा है अभी ट्रैवलिंग में या लाने ले जाने में, या पता नहीं उनसे कुछ हुआ रहेगा तो। लेकिन इतना मजबूत है ना यार ये बाइक का वज़न तो डेफिनेटली बढ़ने वाला है। ये टूर के बाद निकाल देंगे हम लोग, लेकिन ये अपने पे पूरा क्रैश झेल सकता है, आई एम 110% श्योर ऑन इट। तो ये रहा क्रैश गाड़ी, इस तरफ का भी उस तरफ का दिखाता हूँ आपको। ये नंबर प्लेट माउंट पे नंबर प्लेट लगा दिया हमने, स्लाइडर दिए है ना उसने, वापस रख दे वो, हाँ रख दो। ये यहाँ पे आते हैं और सामान लेके भागते हैं, फिर आगे जाके सस्ते पे बेच डालते। दो तीन बार हो चुका है इसीलिए चिल्लाना पड़ा, सो डोंट जज ऑन इट। तो अभी जो ये लगने वाला है ना वो आर पार जाएगा, और वहाँ पे अभी दिख रहा है वो खुला पड़ा है, ये अभी तक टाइट नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर टाइट करेंगे। तो लग गए गार्ड, और भाई सीरियसली बोलो ना, गार्ड को पकड़ के जो फील हो रहा है ना, कितना मजबूत है ना ये, मतलब पैसा वसूल है भाई गार्ड का, बहुत मजबूत गार्ड है बहुत। अभी तो सैडल स्टे लगेगा, टॉप रैक लगेगा, कूलेंट का कैप लगेगा, तो अपना हीरो आ गया हॉस्पिटल से फटाफट। अभी लगाएगा पूरा गार्ड ये भी पीछे का, मैंने बोला भाई तू पीछे चालू हो जा। अरे भाई नया हॉर्न बिठाया रहा इसने, डायरेक्ट मुंह से बोल रहा है। गार्ड लग गया है, बस उसमें स्लाइडर लगाना बाकी है। अभी पीछे लग रहा है टॉप रैक और सैडल स्टे, तो ये स्लाइडर्स है मोटोकेयर, ये लग जाएंगे यहाँ पे। उसको एकदम टाइट कर देना, क्या लग रही है भाई अभी गाड़ी। तो यहाँ पे सीधा जब अपना पीछे का ये लगा रहा है टॉप रैक, तो ये वाला जो ग्रैब रेल है ना, ग्रैब रेल को निकाल के टॉप रैक का पट्टी आपको अंदर लगाना पड़ेगा, और जो सैडल स्टे है उसका तो मैं आपको बाद में बताता हूँ कहाँ पे लगेगा। लेकिन टॉप रैक लगाने के लिए ग्रैब रेल्स निकालो, जैसे अभी ये निकाल रहा है। वो निकालने के बाद ये जो क्या वज़न क्या है भाई इसका, देखो क्वालिटी अच्छी है, वज़न भी ज़्यादा है, लेकिन सीन क्या पता है, गाड़ी का वज़न बहुत बढ़ने वाला है। अब गाड़ी की लुक माचो देगी, मतलब एकदम माचो लुक देगी। अभी जिंगल बेल की बैग में से निकलेगा, क्या निकलेगा क्या निकलेगा, ये लो ये कूलेंट का कवर है, ये रेडिएटर गार्ड है, ये आगे टायर पे लगेगा डंबल, इसको लग के बाहर, इसके नीचे है ना सिराज, इसको लगा के इसके नीचे फॉग लैंप लगा सकते हैं अपन, चलो तो देखेंगे बाद में। लाओ रहमान वो दिखाओ। तो ये है अपना कूलेंट का गार्ड, ये लगेगा ऐसे राइट। तो इसमें भी आप लोग को दिख रहा है, मतलब मैक्स मिनिमम सब कुछ दिया हुआ है, तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा है वो डब्बे को प्रोटेक्शन है, कभी कुछ मार वार लगे ना तो डब्बा नहीं फूटेगा राइट, है ना रहमान भाई बोल रहे, भाई बराबर बोलता है ये बंदा, जो भी बोलता है ना अपने, क्या वो झूठ बोल के व्यू नहीं कमाने का, जो लोग झूठ बोलते हैं ना कि यार मेरे को खुजली हो गई मैं नहीं आ पाऊंगा। ये लो ये रेडिएटर गार्ड है, ग्रिल गार्ड जो बोलते हो, अपना रेडिएटर ग्रिल पूरा कर्व्ड है, तो ये कर्व्ड वाला आ गया, ऐसे लगेगा ये, इसके ऊपर नहीं लगेगा आपको, वो निकालना पड़ेगा जो स्टॉक लगा हुआ है ना, हाँ वो निकालना पड़ेगा, हाँ निकालना पड़ेगा 100%, हाँ वो क्यों चलो देखते हैं, क्योंकि मैंने ना इसके पहले एडवेंचर में लगाया था ना, तो उसका मेरे को स्टॉक निकालना पड़ा था इसीलिए। किसमें नहीं देखता हूँ, रुको बोल्ट है कि नहीं, अब क्या क्या बचा है बेटे। ओके ये पीछे का ब्रेक ऑयल का, ये क्या है, ये देखो ये दिया हुआ है, पता नहीं वो क्या है, पीछे का स्लाइडर है शायद, दोनों साइड का नहीं, हाँ पीछे का है वो, और ये पीछे का ब्रेक ऑयल का है, ये टॉप रैक का प्लेट है, इसके अंदर क्या है। हेलो रहमान भाई, ये अपना जूना है, नहीं जूना नहीं है, जूना वाला ये रहा,
नया है ना। अब इसके अंदर भी कुछ है, मुझे तो पता ही नहीं भाई मैंने क्या क्या मंगाया, अभी क्या क्या बचा है। ये अपना पुराना वाला गार्ड है, अगर उसका बोल्ट दिया नहीं, वो खाली ऐसे ही नंगा पंगा दिया था, तो ये इसी का बोल्ट जो स्टॉक रहना वही निकल के इसमें लगेगा। इसलिए मैं तुमको बोला ना वो पुराना वाला निकलेगा, तो इतना गैप थोड़ी रहेगा लेकिन दोनों के बीच में। चलो ठीक है, तो आप लगा दो, देखते हैं अपन। अच्छा लग रही है गाड़ी, मतलब ऐसा सब लगाने के बाद भी ना अभी भी छोटी ही लग रही है ना, कॉम्पैक्ट ही लग रही है। अच्छा बनाया सब। हाँ ये वाला पूरा लगाना पड़ेगा तेरे को, और अंदर का पूरा निकालना पड़ेगा ये सब। हाँ तो देख तो देखो मालूम पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा नहीं अभी तो निकाल के तो देख तेरे को मालूम पड़ेगा। क्या हुआ लगे रहमान भाई, वो गार्ड लग गया? लग गया गार्ड, नट फिट हो रहा है अभी तक। तो ये हम लोग ने गार्ड लगा दिया, रेडिएटर गार्ड, मोटो केयर। वो निकाल दिया ना जाली? कौन जाली निकाल दिया ना स्टॉक? बोला तुमको, तुम समझ रहे, मैं भी है भाई मैकेनिक। नहीं बैठ रहा वो, एडवेंचर वाले में भी मैंने ना स्टॉक निकाल दिया था, तो अच्छा हुआ। तो ये स्टॉक जो रेडिएटर ग्रिल है वो निकालना पड़ेगा, तब जाके वो स्टॉक नट के ऊपर आपका मोटो केयर का ग्रिल बैठेगा। सो दिस इज द स्टॉक, दिस इज द मोटो केयर वाला। ये निकाला हम लोगों ने यहाँ से, अब इसके अंदर पूरा घुसेगा ये वाला, मतलब एक साइड का खोलो, आर पार डालो और उस तरफ से फिट करो, और यहाँ से फिट कर दो। अब ये संभाल के रखना पड़ेगा। गार्ड लग गया, कूलेंट का गार्ड लग गया, टॉप रैक लग गया, नंबर प्लेट लग गया, रेडिएटर ग्रिल लग गया, और ये लग गया। तो अभी लग रहा है ये ब्रेक ऑयल का जो गार्ड है, ये पीछे के ब्रेक का है ना? तो ये पीछे के ब्रेक ऑयल का रिजर्वायर है, उसका गार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, मैक्स मिनिमम केटीएम। एक नट का गेम है, वही नट लगेगा है ना। अब आया बारी टायर हगर का है ना, ये जो पिछली बार मैं लाया था सेम वाला मॉडल है, लेकिन वो वाला मॉडल नहीं है, मतलब वो मॉडल है लेकिन वो पर्टिकुलर वाला नहीं है, ये नया वाला आया है जो इसके ऊपर डायरेक्ट प्लग एंड प्ले अपनी बाइक पे। लगा दो क्या? अच्छा वहाँ पे होल नहीं है क्या? क्यों होल है इसमें? हाँ इसमें नहीं है। हाँ लगा दो ना होल मार के डबल नट। हाँ हाँ चलेगा, उसमें इसमें नहीं है, इसमें होल है इसमें नहीं है। हाँ लगा दो, कैसे मारोगे? और मजबूत हो जाएगा उससे, हिलेगा नहीं। वैसे तो मेरे को है ना ये मैंने मंगाया भी नहीं था, उन्होंने साथ में डाल दिया, मैंने मना किया था कि मेरे को ये नहीं चाहिए। अभी लग रहा है अपना टायर हगर ऐसा लगेगा ये वाले नट पे। भाई मेरे को कंपनी वाले ने बोला था कि अगर तुम यहाँ पे लगा रहे हो ना टायर हगर, तो इसको कुछ अलग कुछ फिटिंग करने बोला था उसने, क्योंकि वो बहुत हार्ड है, वो बाद में निकलता नहीं है बोल रहा था। वो बोल रहा था कि बाद में वो बहुत लूज़ हो जाएगा, उसको एकदम ज़्यादा थ्रेडिंग करना है, तो फिर नया नट लगाना बोल रहा था। निकलेगा नहीं? डायरेक्ट लग गया ना, एकदम मजबूत टाइट करना उसको। अभी लुक चेक करने दो पहले मेरे को। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा बिठाओ कि पानी है ना उधर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे उधर मेरा टेल टाइडी में ना नीचे खाचा है, तो पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। एक खराब चीज़ ये लग रही है कि इसमें गैप बहुत है, ये गैप कम नहीं होगा क्या? वो हिल रहा है पूरा। अच्छा इसीलिए, हाँ कर दो ये बराबर है, थोड़ा नीचे ले लो भाई, थोड़ा नीचे लो बस। तो वो घाघरा वाघरा टाइप नहीं लगना चाहिए, नहीं नहीं ऊपर ले बस, उसके ऊपर खड़े रह जाओ। हाँ वो हिलना नहीं चाहिए, वो बाद में लूज वूज होना नहीं चाहिए। अभी नहीं होएगा, अभी तुम पूरे चढ़ गए उसके ऊपर। अदनान सामी को बुलाना पड़ेगा, अब सही लग रहा है। ये स्टिकरिंग कर रहे हैं हम लोग, ताकि वो टैंक पैड तो नहीं लगाना है लेकिन मेरे को, तो सोचा ऐसे ही कुछ करेंगे जिससे थोड़ा सही लगे बाइक। तो अपनी सीट भी कार्बन फाइबर है और ये भी कार्बन फाइबर, यहाँ तक का लेंगे। तो यहाँ पे काम चालू है, अभी ये स्लाइडर्स भी लग गए पीछे का, ये 2 3 4 5 6 रेडिएटर ग्रिल 7 टॉप रैक 8 अब लगेगा सैडल स्टे 9 विंडशील्ड 10 चीज़ें लगाई हमने बाइक पे, और स्टिकरिंग 11, मतलब आज बाइक में हम लोग ने 11-12 चीज़ें लगाई है। बोलिए क्या हो गया?
उसके अंदर है सैडल स्टे, वो जो टॉप रैक के नीचे लगेगा ना वो, इतना भी अच्छा लग रहा है वे अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, एकदम वाइब्रेंट लुक लग रहा है वो, अच्छा लग रहा है ऑरेंज के साथ। अब ये पट्टा भी देंगे, अगर ये अच्छा नहीं लगा तो आगे जाके निकाल देंगे, लेकिन अभी ज़रूरत है क्योंकि हम लोग राइड पे जाएंगे तो वहाँ पे बैग लगेगी, बैग हिलेगी थोड़ा लेफ्ट राइट, तो फिर उसके ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं, तो स्क्रैचेस से बचाने के लिए। और जो भी मुंबई से देख रहे हैं, ये अपने नौशाद भाई है, यहाँ पे ग्रैंड रोड में वेगा एंड एग्जॉर शॉप में आपको मिल जाएंगे। कोई भी हेलमेट चाहिए अच्छे डिस्काउंट में मिलेगा, अपने अपना नाम ले लेना, मैकेनिक्स तो अपने है ही यहाँ पे बंदे, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। तो ये अच्छा लग रहा है अभी, तो ये ऊपर के दोनों बोल्ट वापस खोलने पड़े, ये मैं पी रहा हूँ हेल, अभी सुबह से भूखा हूँ। दोनों बोल्ट खोलना है, ग्रैबरल निकालना है, टॉप रैक के साथ ये साइड से लगाना है, नीचे का तो दो कैची है ना वो ये दोनों पे बैठेगा, ये पीछे जाएगा ना कि आगे जाएगा, पीछे पीछे सीधा विंडशील्ड खोलना तब तक जाना। अबे विंडशील्ड खोल के तूने तो बोला लाइट के नीचे डालने वाला, ये आदमी ने बोला था पिछले वीडियो में, सबूत है मेरे पास, तेरा क्रैश गार्ड आने दे उसके बाद तो लाइट निकालेंगे, याद आया? चुप मत, याद आया तेरे को? याद आया तेरे को? याद तो आया है, देख देख यहाँ पे दिखा, इधर दिखा दो, यहाँ पे लगा सकता है इसके नीचे, लाइट छोटा है अपना, जैसल आ रहा है, जैसल तेरे को आइडिया देगा, ये मैं रिकॉर्ड किया है। क्या लग रही है भाई गाड़ी अपनी, अभी जैसल आ गया है गाड़ी लेके, लुक एट इस बाइक, अब देखते हैं कि वो क्या रिएक्शन देता है अपने पार्ट्स का क्वालिटी देख के। जैसल भाई उसको हाथ लगाओ और मेरे को बताओ कैसा लग रहा है, क्वालिटी कैसा है? मजबूत? हाँ साथ में हो सब, वो पूरा ऑरेंज में भी है गार्ड उसके पास अवेलेबल, लेकिन मैंने ब्लैक मंगाया क्योंकि ज़्यादा ऑरेंज हो जाएगा। तो सारी चीज़ लग गई है, टॉप रैक लग गया, सैडल स्टे लग गया, टायर हगर लग गया, पीछे के स्लाइडर लग गए, ब्रेक ऑयल रिजर्वायर लग गया, कवर पूलेंट का कवर लग गया, क्रैश गार्ड लग गया, आगे के स्लाइडर लग गए, नंबर प्लेट होल्डर लग गया, विंडशील्ड लग गया, स्टिकर लग गया अपना आगे जो भी टैंक का, और रेडिएटर गार्ड लग गया। आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, मेरे को कुछ याद है कि मैं खुद ही भूल गया हूँ भाई कितनी चीज़ें लगा दी मैंने। तो अब इसको वापस हम लोग खोल रहे हैं क्योंकि मैं इसको स्मोक करवाने वाला हूँ, स्मोक करवाने के बाद और इसमें वो रबर्स भी ऐड करने हैं जो हम भूल गए थे, अभी आया है रबर, ऐसे वाले चार रबर ऐड करने ताकि वो वाइब्रेशन ना ले। पूरा स्मोक लग गया, अब ये देखो अनबॉक्सिंग स्मोक का, नाइस, ऐसा लग रहा है ये नया विंडशील्ड खोला हमने, है ना, नया विंडशील्ड खोला हमने, ये वो ट्रांसपेरेंट वाला तो दे दिया वापस, ट्रांसपेरेंसी देखो, ये बंदा ऐसा है और ये देखो तो अभी ये विंडशील्ड निकाल दिया स्मोक करने के लिए, आपने देखा कैसे मैंने क्या किया है। यहाँ पे मैं पट्टी बिठा रहा हूँ इंडिकेटर के ऊपर फॉग लैंप के लिए, जैसे विंडशील्ड निकालेंगे ना तो वापस वहीं पे लगा देंगे हम लोग, क्योंकि अभी ये सिर्फ जब भी विंडशील्ड लगाएंगे तब यहाँ पे फॉग लैंप लगाएंगे, और जब विंडशील्ड हटाएंगे तो वापस फॉग लैंप जहाँ अपनी थी ना वो आइज़ वाली वहीं पे लगा देंगे। तो लुक्स के ऊपर मत जाना अभी, अभी अपने को लुक्स का काम नहीं है, टूरिंग करके आएंगे तुरंत अपन वापस बदल देंगे। बाकी मैं विंडशील्ड निकाल के गाड़ी है ना, एक मिनट सीधा कर, विंडशील्ड निकाल के गाड़ी का लुक बहुत सेक्सी लग रहा है ऐसे, ये कुछ भी मालूम भी नहीं पड़ रहा कि मैंने कुछ अलग से लगाया एक्सेसरी, सब कुछ कॉम्पैक्ट लग रहा है, गाड़ी अभी भी छोटी लग रही है, सेक्सी लग रही है, ये देखो यहाँ से लुक अच्छी लग रही है। तो अब लुक ऐसा है, ये भी थोड़ा अलग ही लग रहा है, मतलब वो प्रीडेटर के बाजू में जो ऐसे खंधे के यहाँ से निकलती है ना लाइट, अच्छा लग रहा है ना, वो प्रीडेटर के बाजू में खंधे पे लाइट निकलती है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, गोली वाला वो रेड रॉकेट वो सब यूट्यूब पे बोले, हाँ रेड रॉकेट था। चलो देखते हैं अभी फॉग लैंप कैसी दिखती है, चालू कर दो जरा सिराज, तो अभी ये अपने को काम आएगा राइड तक, राइड का ख़त्म हो गया उसके बाद वापस अपन जहाँ पे लगी थी वहाँ लगा देंगे और विंडशील्ड हटा देंगे और बाकी सारी चीज़ें रहने देंगे। और मैंने यहाँ पे KTM रेसिंग का स्टिकर लगा दिया, ये मेरी टेल टाइडी के नीचे जो खड्डा है ना उसे पानी वानी आता है, इसीलिए मैं ये फोम बिठा रहा हूँ, मतलब ये अभी परमानेंट इलाज नहीं है, थोड़ा जुगाड़ू है, परमानेंट हो जाएगा, परमानेंट के लिए आपको थोड़ा एक्रेलिक का छोटा पतला शीट लेना पड़ेगा और उसको नीचे लगाना पड़ेगा। अबे लेकिन वो शीट लगाएगा तो वायर नीचे से ऊपर कैसे आएगा, हाँ खड्डा छोटा एक होल करना पड़ेगा, हाँ ठीक, इतना इलाज हो गया है, विंडशील्ड भी स्मोक हो गया। चलो चलो मितवा, अभी इसको पहले अंदर रख देते टी शर्ट के अंदर, पेट और बढ़ गया मेरा टी शर्ट के अंदर रख के। ओहो देखो ये मैंने एक और चीज़ लगा दी यहाँ पे KTM करके, सेट कर रहा हूँ एंगल,
अभी जाते हैं घर पे, मैं दोपहर से यहीं पे हूँ यार। खाना वाना बाकी है मेरा, कुछ खाया नहीं। वो यहाँ से मेरे दोनों फॉग लैंप्स दिख रहे हैं, यहाँ पे लगाने वाला था मैं, लेकिन ये बेटर है, बड़े वाले लगाएंगे तो वहाँ पे लगाएंगे। चलो यहाँ पे भी KTM रेसिंग लगवा दिए, लेट्स गो। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा बाइक में इंस्टॉल किया है भाई। मेरे को लगा कि एक दो घंटे में सारी इंस्टॉलेशन हो जाएगी, लेकिन बहुत काम करना पड़ा। ये लास्ट में जो मैंने वाइज़र स्मोक करवाया ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने ट्रांसपेरेंट ये सोच के मंगाया था कि यार अगर वाइज़र थोड़ा खड़ा होगा और कैमरा में दिखेगा, क्योंकि जो मेरा एडवेंचर का हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब ज़्यादा बातें नहीं करते, आप लोग अभी इसका सिनेमैटिक देखो। जो सिनेमैटिक मैं अभी नहीं, कल शूट करूँगा सुबह सुबह, तो वो सिनेमैटिक आप अभी देखो। सिनेमैटिक के बाद मिलते हैं, बाय बाय। तो कैसी लगी आपको सिनेमैटिक्स? आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और इस बार की इंस्टॉलेशन बाइक की भी अच्छी लगी होगी। बहुत लोग बोल रहे थे यार बेकार कर दिया, लुक बेकार कर दिया जब मैंने विंडशील्ड लगाया था, लेकिन आज मेरे को 3 से 4 जन ने विंडशील्ड के बारे में पूछा कि भाई ये कहाँ से लिया। मतलब मैंने आपको बोला था कि इन रियल लाइफ बहुत अच्छा दिखता है, कभी कभी कोई चीज़ें फोटो में अच्छी नहीं दिखती, कभी कभी कोई चीज़ें फोटोजेनिक होती है, रियल लाइफ में अच्छी नहीं दिखती। तो अब अच्छी दिख रही है गाड़ी पूरी, जो सब कुछ कॉम्पैक्ट लगा हुआ है। मुझे कोई गार्ड पता ही नहीं चल रहा कि मैंने गार्ड लगाया या क्या लगाया, पीछे क्या लगाया, कुछ भी नहीं। और ये मैंने फॉग लैम्प्स मेरी ऑन कर दी, थ्रो अच्छा फेंक रहा है। मैंने ग्रीन को यहाँ पे रखा है ताकि वाइट थोड़ा दूर रहे, ये रहा वाइट आगे, सो इट्स लुकिंग गुड। तो अब ये जो व्लॉग है, इसके बाद मैं 10-15 दिन के लिए जा रहा हूँ फैमिली फंक्शन में। उसके बाद जैसे मैं फंक्शन से आऊँगा, डायरेक्टली निकल जाऊँगा लॉन्ग राइड पर ये बाइक लेके, उस बाइक के सीधे व्लॉग्स आएंगे, और पता चलेगा आपको कि ये जितनी सारे तामझाम मैंने लगाए हैं, ये सारी चीज़ें लॉन्ग राइड के लिए ड्यूरेबल है, कैसी है, वाइब्रेशन देती है नहीं देती है, कितना काम आती है और कितना स्टेडी है, सारी चीज़ें आपको रिव्यूज़ भी मिलेंगे, और लॉन्ग राइड का मज़ा भी मिलेगा। अपनी बाइक लॉन्ग राइड में कैसी परफॉर्म करती है वो भी पता चलेगा। तो ये सब देखने के लिए जुड़े रहो हमारे फैमिली के साथ। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो, हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाओ, और ऐसे ही नए मज़ेदार व्लॉग्स देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।